हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जुदेश शर्मा एंड टुडे वेलकम टू माय चैनल जुड़ी रावत। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इसका इन डेप्थ रिव्यू, जो कि मेरा काम नहीं है, या फिर काम तो है बट आई डोंट लाइक डूइंग रिव्यूज़, मतलब होते नहीं है मेरे से, मतलब थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, बट आज कर रहे हैं। बहुत रिव्यूज़ प्रॉमिस किए हैं मैंने, लेकिन इसका पहली बार बना रहा हूँ। सो लेट स्टार्ट। दोस्तों, इस फोन की गिव अवे भी चली हुई है, तो अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो वन प्लस 6 की अनबॉक्सिंग यहाँ पे आई है, बाकी देख लीजिए और उसमें सब मैंने बताया कि कैसे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों, रिव्यू की बात करें तो मैं सिर्फ चार टॉपिक में बात करूँगा, कैमरा, स्क्रीन, बैटरी एंड परफॉर्मेंस। यही चार चीज़ें मेरे लिए मेन करती हैं और शायद ज़्यादा लोगों के लिए यही करती हैं। तो सबसे पहले कैमरा की बात करें, इट्स नॉट ऑसम बट ठीक है। वेल, लेट मी प्ले दैट क्लिप जो कि मैंने कैमरा के बारे में वीडियो बनाई थी। दोस्तों, फिर अब मैं एक 4K 60 फ्रेम्स की वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल 4K 60 फ्रेम्स में है, थोड़ा स्टेबिलिटी तो नॉर्मल ही है। आप देख सकते हैं कि जो एलोवेरा का पेड़ है और ये फोकस है, मेरे हाथ पे जो फोकस आ रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 1080p की वीडियो की। ये 1080p की वीडियो है, इसमें भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फोकस परफेक्ट है, और जैसे कि मैं इस रोज़ पे, रेड रोज़ पे बिल्कुल फोकस कर रहा हूँ तो ज़्यादा लगी नहीं, एकदम मस्त फोकस आया। दोस्तों, ये दोस्तों एक टाइम लैप्स बनाया था मैंने जयपुर के ट्रैफिक का, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 1080p में ये टाइम लैप्स है, तो बिल्कुल ही परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आ रही है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं स्लोमो की। तो दोस्तों, ये है स्लो मोशन, ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही थी, उसके बाद ये मैंने बनाया है स्लो मोशन में, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगता है। 720p में ही रिकॉर्ड करता है 480 फ्रेम्स पर सेकंड, बट हाँ, काफ़ी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। दोस्तों, ये नाइट साइड का जो भी लो लाइट में फोटो है, काफ़ी अच्छा आया था। और ये है दोस्तों 1x पे और ये है 2x पे, तो आप देख पा रहे हैं कि 2x में कितनी अच्छी फोटो आ जा रही है। दोस्तों, ये है पोर्ट्रेट की बैक कैमरा के साथ, एजेस बिल्कुल परफेक्ट आए हैं, और यह है फ्रंट कैमरा की एक वीडियो टाइम लैप्स कर सकते हैं आप। और दोस्तों, ये है सेल्फी नॉर्मल वाली और ये है दूसरी सेल्फी पोर्ट्रेट वाली, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है कैमरा। दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया वीडियो में, कैमरा इज ओके, बेटर, वेरी बेटर फ्रॉम 1+6, नॉट वेरी बेटर बट थोड़ा सा बेटर है, ठीक है, एनहेंस करते रहते हैं, बट नॉट लाइक कि आप सैमसंग S9 या फिर नोट 9 या फिर किसी भी बड़े फ्लैगशिप से कंपेयर कर सकते हैं। बट हाँ, उन्होंने बोला नहीं कि वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हेड टू हेड काम हो रहा है। नाइट साइड मज़ा नहीं आया, इतना मज़ा आया नहीं जितना पिक्सल वाले में आ रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के मामले में बीस्ट है, सब चीज़ एकदम खतरनाक चला रहा है। ऐप स्टार्टिंग एंड रैम मैनेजमेंट में थोड़ा सा पीछे रह गया था, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया है, स्पीड टेस्ट में यह हार गया था जेनफोन 5G से, तो परफॉर्मेंस तो अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। अभी रैम मैनेजमेंट थोड़े इशू है, वो ठीक हो जाएंगे जहाँ तक मेरा अनुमान है। तीसरी बात करते हैं दोस्तों बैटरी की, तो बैटरी इज इन दिस फोन इज ऑसम। दोस्तों, सीरियसली बहुत ज़्यादा ऑसम है, 3700 की mAh की बैटरी है, ऊपर से इसमें डैश चार्जिंग भी देगी, तो डैश चार्जिंग बहुत ही फास्ट है। 37 mAh को भी मेरे को लगा था यार 3300 mAh के उसमें इतना टाइम लगता था, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, नहीं दोस्तों 2-4-5-10 मिनट का ही फर्क ज़्यादा है, नहीं तो उतनी ही देर में चार्ज कर दे रहा है, कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है ज़्यादा बैटरी को, तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है बैटरी के मामले में, मज़ा आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चौथी चीज़ बात करें तो क्या होना था, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस एंड स्क्रीन। स्क्रीन की बात कर लें दोस्तों, तो स्क्रीन इज़ द बिगेस्ट थिंग इन मेरी नज़र में इस फ़ोन के बिकने के लिए। दोस्तों, सिर्फ स्क्रीन ही इसमें एक ऐसी चीज़ है जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार, यू आर स्पेंडिंग 37,000 rupees। दोस्तों, बिसाइड्स दिस नॉच, वेल आई एम नॉट इन टू दैट नॉच, मेरे को ज़्यादातर नॉच पसंद आ जाते हैं जो लॉन्ग वाले होते हैं, कॉल मी मैड, बट मेरे को लंबे वाले नॉच ज़्यादा पसंद हैं इससे, क्योंकि ये यार मेरे को पसंद नहीं आया, मतलब इट्स नॉट, नहीं यार, ईयर पीस भी यहाँ पर फिक्स कर दिया है, ठीक है, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं आ रही, मस्त सेलुलर कनेक्टिविटी मिल रही है, बट हाँ, अगर स्क्रीन इतनी अच्छी दे रहे हैं तो मैं नॉच को इग्नोर कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और हमेशा की तरह आप इसको हाइड कर सकते हैं, इतना कोई सीन है नहीं, आप डिस्प्ले में जाके हाइड नॉच का ऑप्शन है, सीधे सीधे नॉच डिस्प्ले, आप इसे हाइड कर सकते हैं, इट्स ईजी, बट फिर वो आपका स्क्रीन रियल स्टेट ख़राब हो जाता है, नीचे से बेजल नहीं, ऊपर से बेजल है, इट्स ओके, इट्स मतलब अप टू यू, इट्स पर्सनल चॉइस, अगर आपको इसमें नॉच से कोई दिक्कत नहीं है आप इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, कुल मिला के बात कहूँ तो इट्स नॉट परफेक्ट बट इट्स गेटिंग द जॉब डन इन एवरीथिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप इसमें रुक जाएगी, कैमरा में आप यू कैन टेक ग्रेट पिक्चर्स विद इट,
एंड परफॉर्मेंस में आप यू कैन हैव वेरी 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 बेटर एक्सपीरियंस देन लाइक एनी सॉफ्टवेयर, लाइक सैमसंग का सॉफ्टवेयर ले लो या फिर गूगल पिक्सल का खुद का स्टॉक एंड्रॉइड ले लो, इसमें आपको एक्सपीरियंस जो मिलने वाला है इट्स द बेस्ट, मेरे हिसाब से फास्टेस्ट एक्सपीरियंस जैसे बोलते हैं। नेविगेशन जेस्टर्स में मेरे को बस कुछ खास पसंद नहीं है, बट लोगों को बहुत पसंद है, सच में वो बहुत ऐसा लगता है कि यार फ़ोन फास्ट हो रहा है हमारा। तो कुल मिला के बात यह होगा, अगर इट्स गेट अ थम्स अप फ्रॉम मी। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो सीधे लिंक में जाइए खरीद लीजिए, बढ़िया फ़ोन है। थोड़ा थिकनेस का मेरे को रहा है हमेशा से फ़ोनों का, क्योंकि आई लव वन प्लस फाइव, वो बहुत पतला था और हाँ थोड़ा अच्छा था। इसमें थोड़ा कांच का फिनिश है, थोड़ा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है ही ऑब्वियसली, बट एक चीज़ मैं जरूर कवर करना चाहूँगा दोस्तों, जो इसका बैक कवर है वो साइड से ना थोड़ा मतलब उठा हुआ है, लाइक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखिए साइड से थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा है, ये जो कॉर्नर्स हैं ये उठे हुए हैं, जिससे क्या होता है अगर फ़ोन गिरेगा तो आपका टूटेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें मतलब लाइक कवर मत लगाइए या फिर इस कवर लगा दे तो आपको टेम्पर लगाने की जरूरत नहीं है, आप फेंक दीजिए जो भी है, नहीं दोस्तों आपको टेम्पर लगाने की जरूरत हो सकती है आपकी नीड के हिसाब से, अगर आप फोन को रेगुलरली गिराते हैं ऐसा ऐसा कोई है नहीं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, थोड़ा सा उठा हुआ है तो जब ड्रॉप होगा ऐसे तो थोड़ा मतलब संभाल के रहेगा, लेकिन टेम्पर मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि यार मेरे को ना टेम्पर में वो फील नहीं आती, मैं अपने फ़ोन को मेरे को बैक कवर में भी फील नहीं आती है, बट 12,000 रुपये लगते हैं एक स्क्रीन रिप्लेसमेंट के, तो भैया मैं तो लगा के रखूँगा। तो बस यही है दोस्तों इस फ़ोन के बारे में, बाकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है दोस्तों, एकदम आप फील करोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ। इसका एक दो फीचर्स भी मेरे को अच्छे लगे, मतलब लॉन्ग प्रेस करोगे आप उसमें सेटिंग में जाके कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस करोगे तो गूगल असिस्टेंट लॉन्च हो जाएगा, और सॉफ्टवेयर के मामले में यार मैं पहले ही बता चुका हूँ सब मस्त है। तो कुल मिला के ये है कि फ़ोन ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, ज़्यादा सोचना नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब हियर एंड चेक आउट द अनबॉक्सिंग जिसमें गिवअवे के बारे में बताया है, और सेकंड एक वन प्लस की बुक थी उसकी मैंने वन प्लस इन्वाइटेड उसकी भी करी थी, तो आप एक बार देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।